चलिए, ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आप जितने वनडे एग्ज़ाम हैं, यूपी टेट वगैरह, सभी के लिए जो जनरल ज्योग्राफी है, आपकी भूगोल की कक्षा है, इसके बारे में आप जानेंगे। इसमें मैं सबसे पहले इस कक्षा की शुरुआत में अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सुमंत शाह है, मेरा नाम सुमंत शाह है और मैं एक ज्योग्राफी स्कॉलर भी हूँ। इसके साथ मैं एक सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट भी हूँ। ज्योग्राफी पर पकड़ होने के साथ टीचिंग का एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है, लगभग 6 सालों का। इस संदर्भ में मैं आपको आपके सिलेबस को पूरी तरीके से तैयार करने में आपकी काफ़ी मदद कर सकता हूँ। अब ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ जो आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, इसका उद्देश्य आपको एकेडमिक लेवल पर टॉपर बनाना नहीं है। अब आप कहेंगे, सुमंत सर अगर ज्योग्राफी स्कॉलर हैं तो इनका ज्योग्राफी का लेवल क्या होने वाला है? क्या यह भी अपनी तरह मुझे ज्योग्राफी का स्कॉलर बनाएंगे? नहीं, यहाँ पर आपकी ऐसी सोच नहीं होना चाहिए। मैं पूरा प्रयास करूँगा और मैं यह दृढ़ निश्चय कर रहा हूँ जो आपको पूरी तरीके से ज्योग्राफी आपके जो सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग ही तैयार करा जाए। अब आगे जो बात है, हो सकता है आपने ज्योग्राफी काफ़ी पढ़ा हो, या कुछ बच्चे हमारे क्लास में आज हमारे साथ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ज्योग्राफी पर आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं हो। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पढ़ा तो होगा लेकिन ज्योग्राफी के यानी भूगोल के नाम से भी डर लगता है। तो इसमें इन सभी चीज़ों को मैं अगर बात करूं तो सुमंत सर अगर आपके साथ हैं तो इनमें किसी में भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ज्योग्राफी आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई मायने नहीं रखता है। विशेष रूप में भी पढ़ा हो तब भी क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं, क्योंकि जो आपने पढ़ा है उसमें बेसिक कितना कम क्लियर हुआ है इस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी का एक ओवरऑल हम लोग नज़रिया देंगे, इसमें रोचक चीज़ों को आप जानेंगे और साथ ही साथ जितने भी आपके क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम यूपी टेट समेत बनने वाले हैं उन सभी का आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। यह चीज़ें जो हैं, जो कही जा रही है, यह आप एक दो कक्षा के दरमियान ही समझ जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो साथ करते चलेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं थोड़ा सा उसे भी देखते हुए चलेंगे जो हम कहाँ पर तय कर रहे हैं। चलिए, हमारी चीज़ें यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़, चूँकि ये हमारा पहला क्लास है तो एक चीज़ें और स्पष्ट कर देना चाहूँगा। तो यह जो हमारा आज का यह क्लास है, यह एक डेमो क्लास है। इसमें अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है या आगे अच्छी लगती है आपकी जो ये चीज़ें हैं, तो आप इस पूरे कोर्स को द एक्सलेंट एकेडमी पे जाके और आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें आप हमारे साथ पूरी तरीके से जुड़ सकते हैं और आगामी जितने भी क्लासेज होंगे उनको पा सकते हैं। मैं इस तरीके से इसमें आपको सारा गाइड करता हुआ रहूँगा। अब जब आगे बढ़ते हैं, इसमें मैं अपनी बात करूँगा लिमिटेशन की, सीमा की। देखिए, अब कितना भी कोई बड़ा व्यक्ति हो, कोई कितना भी बड़ा, यहाँ तक कि मोदी जी या अखिलेश भैया हमारे, या कोई भी व्यक्ति हो, या कोई महापुरुष व्यक्ति हो, यहाँ तक कि जो नोट पर आप फोटो देखते हैं गांधी जी हो, इसी तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसी भी महापुरुष की बात कर लीजिए, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ सीमा है, लिमिटेशन है। और मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ तो मेरे अंदर भी सीमा है, लेकिन मैं अपनी सारी सीमाओं को न बताते हुए सिर्फ यहाँ पर जो रेलिवेंस है आपके टीचर्स के लिए, आपके मेरे एक टीचर के तौर पर उसको बता रहा हूँ। ज़रा ध्यान से समझिएगा, पहली बात जो मेरी लिमिटेशन है, मेरी हिंदी वीक है, ध्यान दीजिएगा, और कुछ ज़्यादा ही वीक है। अब कहेंगे, सर ये क्या कह रहे हो आप, आपकी हिंदी ख़राब है और आप हिंदी बोल रहे हो और मैं भी तो हिंदी पढ़ने वाला हूँ। देखिए, मैं हिंदी सीख रहा हूँ, मैं अगर सच्चाई के साथ आपको बताओ तो हिंदी मैं इधर बीच सीख रहा हूँ, और काफ़ी ग्रेजुएशन, जब मैं BHU का प्रोडक्ट हूँ, BHU का प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करी है, जब मैं BHU से निकला हूँ उसके बाद मैंने काफ़ी हिंदी पढ़ना शुरू किया है। आज मैं अच्छे लेवल की हिंदी थोड़ी सी जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी भी हिंदी में मेरी हाँ सख्त है। तो इसमें हमारे पढ़ाने के दरमियान मैं कुछ इंग्लिश वर्ड बोल सकता हूँ, इंग्लिश में आपको बोल सकता हूँ, लेकिन चूँकि यह आपका हिंदी कंबाइंड बैच है तो इसमें मैं आपको अगर लगता है या मुझे जहाँ भी होगा मैं इसको हिंदी में ही समझाने, बोलने, लिखने सभी चीज़ का प्रयास करूँगा। यह चीज़ें हो गई। दूसरी है जो हमारी सीमा है, यह है रीजनल लेवल पर, यानी हिंदी में मैं बात करूं तो क्षेत्रीय लेवल पे मेरी सीमाएं हैं। क्षेत्रीय लेवल पे मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूं,
बिहार के लोगों में जो सीमाएं होती है वह सबसे ज़्यादा होती है, वह अड़ा जो है इसको र प्रोनाउंस कर सकते हैं, अड़ा को र प्रोनाउंस करना उनकी सीमा होती है। यहाँ पर जो ये न है इसे ये वाला जो न है ये तो मैं आज भी नहीं बोल पाता हूँ, ये वाला को न प्रोनाउंस वो लोग करते हैं। इसमें यह मेरे लिए कोई सीमा की बात नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके दिमाग में यह चीज़ें हो, सर अड़ को र बोल रहे हैं, सड़क को सड़क बोल रहे हैं, तो हो सकता है सर ज्ञानी हैं या नहीं। तो बेटे यहाँ पर मेरी विद्वता की परिभाषा ये रीजनल क्षेत्रीय सीमा बिल्कुल नहीं है। मैं एक अच्छे एक्सपीरियंस के नाते, एक स्कॉलर के नाते, एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेने के नाते आपको पढ़ाने में कैपेबल हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने हूँ। तो इनमें जो चीज़ें आप देखेंगे अड़ को र बोलते हुए या नीचे वाले वर्ड को ना बोलते हुए, इसे मैं जो पढ़ाऊंगा इसे लिखने का प्रयास करूंगा, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 6 सालों या 7 सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस में मेरे कोई भी स्टूडेंट इन मेरी सीमाओं से प्रभावित नहीं रहे हैं, सिवाय 1-2 दिनों के उनको खराब लगने के वजह से। तो 1-2 दिन आपको मेरी टोन पकड़ने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन यह चीज़ें 1 घंटे में सॉल्व हो जाएगी और आप मेरे तरीके से बेहतर तरीके से चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। तो आपको यह विश्वास करना चाहिए जो सर की जो सीमा है, सुमन सर की जो ये 2 लिमिटेशन है, इसे मुझे नज़रअंदाज करते हुए आगे की क्लास में लेना है। बाकी मुझे अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में आज तक कोई सीमा नहीं नज़र आई है, और अगर आगे कुछ आप बताते हैं तो मैं उसे भी जोड़ लूँगा, लेकिन अभी तक जो मेरे जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट रहे हैं उन्होंने किसी भी सीमाओं को नहीं गिनाया है। तो यही हमारी चीज़ें हैं, मेरा परिचय ले चुके हैं आप, मेरी कमियों को जान चुके हैं, अब हम लोग की बारी है ज्योग्राफी के अध्ययन करने की। चलिए ज्योग्राफी पर आते हैं, यानी भूगोल पर आते हैं। देखिए अब भूगोल, इसी को मैंने बार बार ज्योग्राफी लिख रहा था, अब भूगोल की बात करें। भूगोल आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो मायने नहीं रखता है, आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए यह विशेष रूप से मायने रखते हैं। जितने भी वन डे एग्ज़ाम, खासकर UPSI की बात करें, तो इसमें भूगोल का जो 80% क्वेश्चन है यह भारत के भूगोल से आता है। अब भारत का भूगोल क्या आ गया सर, भूगोल तो जानते थे भारत का भूगोल, इसीलिए भारत के भूगोल से क्या क्वेश्चन आता है इसके लिए बात करें। तो भूगोल को 2 टॉपिक में बांटते हैं, एक होता है विश्व का भूगोल, एक होता है भारत का भूगोल। सिंपल है, विश्व का भूगोल कहने से तात्पर्य है पूरे विश्व के भूगोल को एक साथ पढ़ लो, और भारत का भूगोल का मतलब है जो भारत में भी जो पर्वत पठार नदियां देख रहे हो इसे पढ़ लो आप। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, विश्व में जो भूगोल है यानी जो विश्व के पूरे लेवल का भूगोल पढ़ना है, इसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं, पर्वत पठार मैदान ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। अब यहाँ पर जब भूगोल को शुरुआती रूप में पढ़ा जा रहा था तब भूगोल के बारे में कहा गया था जो इसे प्रकरण में बांट कर पढ़ लो, यानी टॉपिक में बांट कर पढ़ लो, यानी मृदा पढ़ लो, पर्वत पढ़ लो, मैदान पढ़ लो, इस तरीके से विभिन्न टॉपिक में बांट कर पढ़ लो। फिर कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, कुछ भूगोलवेत्ताओं ने कहा जो इसे क्षेत्र में बांटकर पढ़ लो, ठीक इसी तरीके से जैसे आपके सिलेबस में दिया रहता है विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, ऐसे टॉपिक में क्षेत्र में बांटकर पढ़ लो, विश्व का कोई देश हो उसका भूगोल का पढ़ लो। जब ये दोनों में लड़ाई चली, हमेशा आपके पास जब 2 विचार होते हैं, ध्यान देंगे करें या ना करें, इस तरीके का अगर आपके पास 2 विचार जब भी होता है, तो इन 2 विचारों के बीच जो चीज़ें मन में उत्पन्न होती है उसी को नाम दिया जाता है द्वंद्व, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायलेमा। तो मैं बस आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो भूगोल एक समय द्वंद्व का शिकार हो गया, डायलेमा आ गई उसमें, और द्वंद्व यह था जो इसे प्रकरण में बांट कर पढ़ लो, टॉपिक में बांट कर पढ़ लो, या फिर क्षेत्र में यानी जो रीजन है आपका इसमें बांट कर पढ़ लो। अब जाहिर सी बात है इस द्वंद्व में टकराव हुआ, सारे भूगोल वेत्ताओं के बीच मीटिंग हुई, टकराव होता चला गया, बढ़ता चला गया होगा, ठीक है सर, जी सर, ओके ओके ओके। तो इसमें चलिए, तो हमने कहा जो प्रकरण है, क्षेत्र है, इसमें द्वंद्व होता चला गया, टकराव होता चला गया। अब इस टकराव के दरमियान जो ये चीज़ें आ गई हैं, इसमें भी भूगोलवेत्ताओं ने मिल बैठकर कुछ अच्छा निर्णय निकाला, और उस अच्छे निर्णय में यह पाया गया जो प्रकरण के साथ भी
अध्ययन कर लो और क्षेत्र के साथ भी अध्ययन कर लो, यानी स्टडी कर लो। अब इन दोनों के बीच जब द्वंद्व समाप्त हो गया तो इसीलिए आपके सिलेबस में आ गया विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। लेकिन दरअसल विश्व के भूगोल में भी आपको टॉपिक बांटा गया है और भारत के भूगोल में भी टॉपिक बांटा गया है। जैसे इसमें आप जलवायु के बारे में पढ़ो, इसमें समुद्र के बारे में पढ़ो, इसमें मृदा के बारे में पढ़ो। तो ये विश्व के भूगोल में भी यही चीज़ें पढ़नी है, जलवायु के बारे में, मृदा के बारे में, और विश्व भारत के भूगोल में भी पढ़नी है आपके जितने भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों के बारे में। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? तो अब आप समझ गए होंगे जो आपका जो सिलेबस में भूगोल, विश्व का भूगोल है और भारत का भूगोल है, यह क्यों बांटा गया है और इसमें क्या पढ़ना होता है। अभी तक आप देख रहे होंगे जो हमारी स्पीड यहाँ पर थोड़ी सी आपको तेज लग रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चूँकि हम यहाँ सिलेबस बता रहे हैं इसलिए है, जब हमारी क्लासेज होगी वह बिल्कुल आराम से होगी। हम लोग चीज़ों को पहले समझेंगे, उसके बाद फिर नोट डाउन भी करेंगे। मैं आपको नोट बनाने का तरीका भी बताऊंगा जिससे आप किस तरीके से एग्ज़ाम के समय क्विक रिविज़न कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। हमारी जो नियमित रूप से क्लास होगी वह द एक्सलेंट एकेडमी के एप्लीकेशन पे, वहाँ पे पोर्टल पे होगी। आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप आगे नियमित रूप से हमारी सारी वीडियो को पा सकेंगे। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा डेमो क्लास में कुछ हम और जानने की कोशिश करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं जो आखिर हम भूगोल के साथ कैसे अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास भूगोल है और भूगोल से हमने कहा विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल है, और हमने यह भी बताया जो भारत का भूगोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 80% क्वेश्चन इसी से बनते आए हैं। तो अब क्या होना चाहिए? सर भारत का भूगोल सिर्फ पढ़ाइए, वैसे भी पूरी दुनिया से हमें क्या मतलब है, भारत का भूगोल पढ़ा दीजिए, बात ख़त्म कीजिए, आप भी खुश मैं भी खुश। देखिए मैं खुश हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर मुझे मेहनत कम करनी पड़ती। लेकिन जब तक विश्व के भूगोल को सही अर्थों में ना जाना जाएगा, भारत के भूगोल को समझना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, पूरा मतलब कठिन ही नहीं, पूरी तरीके से नामुमकिन है। और ये पढ़ा देने के बाद भी ना आपको याद होगा ना ही आपको समझ में आने वाला है। इसीलिए विश्व के भूगोल को हम लोग शॉर्ट में तैयार करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर भारत के भूगोल को भी टच करते हुए चलेंगे, और विशेष रूप से भारत के भूगोल में भी आएंगे जहां सारा आपकी डाटा को बताएंगे। तो विश्व के भूगोल में सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी की, यानी हम इसमें खगोल भूगोल के बारे में जानेंगे और खगोल भूगोल आपके सिलेबस का पार्ट है। तो चलिए पृथ्वी के साथ आपकी ज्योग्राफी की कक्षा की शुरुआत करते हैं।